ये जो अवार्ड है, सबसे पहले ये फैंस का अवार्ड है। बेसिकली इन्होंने इतना वोट किया, इतना सपोर्ट किया हमें कि शौर्य और अनोखी एज द बेस्ट जोड़ी ऑफ इंडियन टेलीविजन मिला है। एक या तो शाकिन, दिस इज़ फॉर यू गाइस। यप। एंड इन्हें मिला है बेस्ट मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर एक्ट्रेस ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर इन द नेशन, इन द यूनिवर्स। सब कुछ देना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ही दे पाए इन्हें। तो आई थिंक शी सुपर सुपरबली प्रॉमिसिंग एंड विद हर स्कोप एंड म्यूजिक एंड इनको ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर मिला है। एंड यू गाइज ऑफ कोर्स नो व्हाई, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज अ ट्रेंड सेटर, अ नेचुरल ऑफ कोर्स। थैंक यू। ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आप सोचेंगे तो कोई तो सोचेगा, बट आई डोंट नो। ये बिग बॉस में जा रही हैं? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं बताना था। ओ आई एम सो सॉरी गाइस, प्लीज कट इट। इसको मत डालना। ओह माय गॉड, हाउ कुड यू से। आई एम सो सॉरी। ओह सॉरी, सो सॉरी। शी इज गोइंग एज अ जज। शी इज रिप्लेसिंग बिग बॉस एंड एज अ फीमेल वॉइस व्हिच इज गोना हैपन। आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, प्लीज नो। नो नो, सॉरी बिग बॉस, इट्स जस्ट आउट ऑफ फन, यू नो, वी आर हैविंग फन। बिकॉज सब लोग बिग बॉस की इतनी बातें करते हैं, लेकिन शी इज गॉट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट। शी इज लाइक आई सेड, शी इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर, बट वो बताएंगे ही नहीं और ना ही मैं अभी फिलहाल बताऊंगा। वी आर जस्ट गोना चेरिश दिस मोमेंट। या And also I thought about, you know, wearing something bright, brighter this time, because playing Santa. Yes sir, of course. Yes, I am Miss Claus, you know. Oh, she's Miss Tennis Claus. Okay. मैम, मुझे एक्चुअली जिस काम के लिए जाना है आपने रोक के रखा है, और उसे गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती है, समझ जाइए। हम आके ये देते हैं आपको, इसका जवाब देते हैं। 2 मिनट दे दीजिए, नहीं तो मैं रुक जाऊँगा।